नमस्कार आदाब, निश्चित में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते साइंस शो पे हमने चर्चा की थी टिकटॉक के विषय पे और कैसे अमेरिकी सरकार टिकटॉक को धमकी दे रही है कि अगर किसी अमेरिकी कंपनी ने ऐप को जल्दी ही ना खरीदा तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा। आज इसी विषय पे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे प्रवीण पुरकायस्था के साथ कि कैसे फेसबुक के पीछे, फेसबुक और मार्क जकरबर्ग का भी इसमें क्या हाथ हो सकता है, और इसी सब के बीच में टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो प्रबीर, शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए। कि आप पहले इस वॉल स्ट्रीट जर्नल पे जो खबर छपी थी कुछ दिन पहले ही कि कैसे एक तरीके से फेसबुक और मार्क जकरबर्ग ने अमरीकी सरकार को भड़काया है टिकटॉक के खिलाफ, इस बारे में आप हमें बता सकते हैं? देखिए, मार्क जकरबर्ग अपने मोनोपोली के लिए जो करना चाहेंगे वो तो करेंगे। वो साफ है कि कुछ कंपनियों को उन्होंने खरीदा है, जैसे इंस्टाग्राम, जिनको उनको लगा कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकती है, और टिकटॉक को वैसे भी खरीद पाए या तो उनसे बात कर पाए, तो उसके लिए उसको बंद करने की प्रयास वो कर रहे हैं अमरीका में, खास तौर से क्योंकि फेसबुक वहां सबसे बड़ा सोशल मीडिया कंपनी है गूगल के अलावा, और फेसबुक की रेवेन्यू मॉडल जो है करीब 98% से ज्यादा सिर्फ एडवर्टीजमेंट से आता है, और कोई कंपनी नहीं है अमेरिका में, गूगल हो अमेज़न हो, तो सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम पे इतना डिपेंडेंट है। इसीलिए फेसबुक का सोशल मीडिया की प्रभाव में कोई खतरा नजर आए तो उनका बुनियादी बिजनेस इंटरेस्ट पे वो हिट करता है। और कांग्रेशनल हियरिंग जो हुई थी, जिसके बाद पहले हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर, तो वो साफ है कि मोनोपोली को कैसे बरकरार रखना है सोशल मीडिया स्पेस, उसके लिए जितने वो कारतूते अपना सकते हैं वो अपनाने की कोशिश लगातार करे जा रहे हैं, और वही कांग्रेशनल हियरिंग्स पे उनको पूछा गया। तो यहाँ भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो तस्वीर है उसे साफ है कि अमेरिका का सडनली टिकटॉक को पिक करना चीनी कंपनियों में से, वो लगता है थोड़ा अजीब है, क्योंकि है तो ये डांस वीडियो 20-22 साल की लड़के लड़कियां ये इसमें बहुत ज्यादा जा रहे हैं, यंग डेमोग्राफी है उसमें, इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी का खतरा कैसे आ सकता है ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नेशनल सिक्योरिटी खतरा अगर है तो सब देशों का है, अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनियों से, क्योंकि सभी लोग उसमें लगभग दुनिया के हर प्रांत में, चीन को छोड़ के, हो सकता है रशिया को छोड़ के, बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स में हैं, और उनको ट्रैक करना, उनको पता करना वो कहाँ है किस वक्त कहाँ है, जो कि कहा गया है टिकटॉक के एक खतरा खतरा में से, तो वो अमरीकी सरकार लगातार ये कर रहे हैं। और हमने ये जिक्र किया न्यूज़लीक में, उन्होंने एक खास तौर से एक लोकेशन ऐप को भी इस अमेरिकन मिलिट्री के साथ साठगांठ है, जिससे वो लोगों की एंड्रॉयड या दूसरे फोनों में उनकी लोकेशन अब चाहे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को चाहे तो भेज सकते हैं। तो ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, अगर इनसे खतरा है, टिकटॉक से खतरा है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी में, तो इसका मतलब है कि सब देशों का खतरा टिकटॉक से है और फेसबुक गूगल इत्यादि इत्यादि ऐसे सब चीजों से है, ये मान के चलना पड़ेगा। और यह चीज अमेरिका कभी मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, जबकि स्नोडन की जो खुलासा हुई थी इसके बाद साफ है कि यह चीज अमेरिका रेगुलर करती है, और उनका कानूनन ये उनका ये हक बनता है कोई अमेरिकन कंपनी की जो भी फॉरेन सिटीजन्स के डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये द्विधा तलवार बन सकता है, अगर यह चीज टिकटॉक के लिए लागू है तो यह चीज अमेरिकन कंपनियों के लिए भी लागू होना चाहिए दूसरे मुल्कों में। तो ये तो सवाल ट्रंप ने इस तरह से रखा है, तो लगता है कि ये
निधार कारोबार भी बाद में बन सकता है। पर इस पे आइए पहले कि देखें कि अमेरिका टिकटॉक को क्यों चुना। एक तो हुआवे के चुना है तो समझ में आती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अगर चीन की इस तरह से प्रभाव बढ़ता है तो दुनिया की टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का और चीनी कंपनियों के एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। यह अमेरिका के लिए एक खतरा हो सकता है, अमेरिकन की मार्केट डोमिनेंस, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस में एक खतरा हो सकता है। तो सोशल मीडिया की अहमियत इसमें क्यों आना चाहिए, इसको जरा सोचने की जरूरत है। और इसमें साफ है कि डेटा, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले कहा था इज न्यू ऑयल, बाद में कहा न्यू ऑयल नहीं, इससे भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ऑयल तो लिमिटेड सोर्स है, इसका तो अनलिमिटेड सोर्स है, जितना चाहे उतना डेटा हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए डेटा के अहमियत को देखते हुए सोशल मीडिया कंपनीज की जो डोमिनेंस दुनिया में फेसबुक और गूगल की है, तो उससे उनको लगता था इस दुनिया को पूरा कंट्रोल करते हैं। दुनिया की पर्सनल डेटा, लोगों की डेटा, लोगों की नेटवर्क्स की डेटा, उनको क्या सोचते हैं क्या करते हैं, इन सब चीज के ऊपर वो कंट्रोल करते हैं। और फेसबुक का जो स्टोरी पहले इलेक्शन के दौरान निकला था, वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम से प्रसिद्ध है, इसके लिए लगता है कि सोशल मीडिया की राजनीतिक जो अहमियत है उसको हमने समझा नहीं था। पर अमेरिका इस चीज को समझती है क्योंकि इसको इस्तेमाल करती है। ब्राजील में, भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि फेसबुक का इलेक्शन में काफी प्रभाव रहा और दक्षिणपंथी रुझान जो हुई है इन जगहों पे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस पर काफी भूमिका रही है। इसका मतलब यह है कि अगर सोशल मीडिया अपने हाथ में है तो उसके जरिए लोगों की मगज धुलाई जो कहते हैं वो करना, उनको कैसे उनकी समझ को बदला जा सकता है वो देखना, मेरे ख्याल से इसको एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स अमेरिका मानती है। और क्योंकि टिकटॉक पहला सोशल मीडिया कंपनी दुनिया में है जो उनके सोशल मीडिया एप्स को चैलेंज कर रहा था। ये मत समझिए कि टिकटॉक सिर्फ इतना छोटा कंपनी है, टिकटॉक बाइट डांस की मार्केट कैपिटल करीब $140 बिलियन माना गया था 2 महीना पहले, और शायद इससे भी एक्चुअली आज की तारीख पे सब नहीं होता तो उससे भी ज्यादा होता। तो यह मामूली आंकड़े नहीं है। और दूसरी बात, जिस रफ्तार से बढ़ रहा था टिकटॉक, पिछले 6 महीना में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है दुनिया का, यूट्यूब के आगे, फेसबुक के आगे और जूम, क्योंकि COVID-19 की वजह से सडनली जूम के अपलोड्स डाउनलोड्स काफी बढ़ गए हैं। जूम 1 महीना थोड़ा सा इस पर कॉम्पीट किया, नहीं तो लगातार पिछले 6 महीना आपके टिकटॉक सबसे ऊपर रहा, और चंद 3 साल में उनके 800 मिलियन यूजर्स दुनिया में निकले हैं, जिसे 200 मिलियन हिंदुस्तान में ही थे। तो ये देखते हुए इसको भी एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रूप में अमेरिका जो मान रहा है, ये ट्रंप की सिर्फ बेवकूफी या पागल पर नहीं है, इसके पीछे एक समझ है। तो समझ ये है कि सोशल मीडिया पॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट हथियार है आज के दिन में, और उसका कंट्रोल हमारे हाथ पे रहेगा अगर फेसबुक गूगल जैसे कंपनियां इसको कब्जे में रखेंगे। अगर उसमें चीन की कोई कंपनी आती है तो उसमें दरार पड़ेगी, और इसीलिए टिकटॉक को खत्म करना, टिकटॉक का प्रभाव जो है घटाना, इसके लिए उसको फोर्स कर रहे हैं कि अमेरिका में कम से कम इसको बेचो। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है दूसरे 4 देश है उसको भी खत्म करो, और ये अगर चला तो दूसरे मुल्कों में भी इसका आवाज उठ सकती है। हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि रिलायंस और टिकटॉक के बीच में इसीलिए बातचीत चल रही है क्योंकि टिकटॉक यहाँ पर बैन कर दिया गया, तो रिलायंस उसको लेके जैसे अमेरिका में कंपनियां बात कर रही है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर भी इस बातचीत में है, अगर वो इसको खरीदते हैं तो शायद यहाँ पर रिलायंस जैसे कंपनी भी इसको खरीद सकते हैं। और हो सकता है दुनिया में टिकटॉक इस वक्त जो है अलग अलग जगहों पर खंडित हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो जो खतरा उनके सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हो सकता था, जैसे उनकी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए हो सकता था हुआवे, तो उस तरह इसको खत्म करने की कोशिश है। इससे ट्रेड वॉर नहीं, टेक्नोलॉजी जंग जो अमेरिका चीन के खिलाफ छेड़ा है
इसमें ये भी शामिल है। तो ये जो आपने बात करी है माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ट्विटर, ये सब कंपनियों में से कोई एक भी अगर खरीद ले अब टिकटॉक को, अगर ये सेल जो है ये सच में ये आगे बढ़े, तो इससे इससे क्या मिसाल सेट होती है बाकी दुनिया के लिए, बाकी देशों के लिए, कि क्या कोई भी देश ऐसे धमकी दे के किसी भी सोशल मीडिया को अब खरीद सकता है, किसी भी और कंपनी को खरीद सकता है जो उसकी सरकारों के असूलों पर ना माने? देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यह जो किया गया है ये एक अनोखा मिसाल है। ये अमेरिका 1920 में, 1920s में जहां तक मुझे याद है, अमेरिका एक बार पहले भी ये किया है। उस वक्त मार्कोनी की जो पेटेंट्स थे रेडियो पे, उसको उन्होंने इस तरह से नेशनलाइज कर दिया था एक हिसाब से अमेरिका में, बट सरकार ने टेक ओवर कर लिया था पेटेंट्स को, जो उसका हक है। और पेटेंट्स को टेक ओवर करके उन्होंने कंपनियां बनाई थी, चार पांच कंपनियों को मिला के कंपनियां बनाई थी जो उस पेटेंट्स को होल्ड करता था। यह किसी भी वक्त किसी भी देश में पेटेंट्स टेक ओवर करने की हक लोग कंपनियों में है, पर उनको बिजनेस बंद करके या बिजनेस खरीद जो बेचने के लिए बाध्य करना, एक एकदम अनोखा एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल हमने कभी शायद हुआ हो, पर हमने उस तरह से देखा नहीं। और इस फाइल्स की कंपनियों की जो कि जिसका रिवर्स असर पड़ सकता है, तो ये एक अनोखा उदाहरण है। क्योंकि कंपनियों को बंद कर देना आसान है, कह देना कि आप इस पे काम नहीं कर सकते इस देश में, उनको बैन कर सकते हैं, जैसे हमने किया है टिकटॉक पे ही, और मेरे ख्याल से 59 चाइनीज एप्स को हमने बैन किया था, और बाद में शायद और भी इसमें जोड़ा है, तो हमारे मुल्क पे हम भी कर चुके हैं। पर इसमें सीधा साधा बात है कि हमने बंद कर दिया, पर ये बाध्य करना बिक्री करने के लिए कंपनी को, हमारे पास बेचिए नहीं तो बंद कर देंगे, ये जो धमकी है इसका मतलब वो स्टॉक प्राइस गिराना, सस्ते में खरीदना, क्योंकि अभी टिकटॉक बाइटडांस जो पेरेंट कंपनी है उसके पास ये वक्त नहीं है कि बार्गेन करें किसके पास रेली बेचे जिसको उसका सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अब वो बेच इस वक्त रहे हैं जब इनको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बढ़ने की बढ़ोतरी की स्थिति में है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, पिछले साल $3 बिलियन की रेवेन्यू कह रहे हैं उनके पास था, इस साल काफी बढ़ जाता, और अगर बढ़ जाता तो उसको आईपीओ वो लाते, तो आईपीओ दुनिया में सबसे अच्छा रकम लाने वाला आईपीओ में से होता। तो ये सब भविष्य उन्होंने जो अबॉर्ट कर दिया अमेरिका की इस पदक्षेप से, क्योंकि बहुत सारे मार्केट से अब स्क्वीज हो जाएंगे, इसको देखते हुए एक इकोनॉमिक वार का एक नया पहलू शुरू किया है अमेरिका कि चीन के कंपनियों के खिलाफ। तो यह चीज इंटरनेशनल लॉ में अब जा नहीं सकता खास, क्योंकि WTO के अमेरिका ने उसको एकदम क्या कहते हैं, उसको पूरी तरह से विध्वस्त कर चुका है, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल में कोई नया मेंबर आने नहीं दिया, तो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट जो प्रोसेस था जो उसको टीथ देता है उसको एकदम उन्होंने नाकाम कर दिया है। तो इसको देखते हुए अभी लगता है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है, और उसके लिए उसका जो वजूहत है, जो एक्सक्यूज है, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जिसको ट्रेडिंग पार्लांस में, ट्रेडिंग भाषा में इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन, क्योंकि इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता, कि इसीलिए इसको देश देश जितने देश है बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अगर इस्तेमाल करते तो इसके विरोध में दूसरा मुल्क भी इस तरह के न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ के जो ढांचा है वो इससे टूट सकती है, पर अमेरिका इस पे खास साफ कह रहे हैं, ट्रंप की इसको हम ना समझे कि ट्रंप सिर्फ एक पागल व्यक्ति है, ट्रंप के पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है अंतरराष्ट्रीय कानून से जो हमें मिलना था मिल चुका है, हमने जिनसे जो लेना था हम ले चुके हैं, अब जो है इससे हमारा और फायदा नहीं होने वाला है, अब एक तरफा हम अपना जो मनमर्जी है वो चलाएंगे, और उसे जो लोगों की पसंद नहीं होगा वो भाड़ ले जाए। को ये जो एक चीज है कि अवर वे और द हाईवे, रास्ता नापिए चलिए, ये रास्ते से अमेरिका इस वक्त चल रहा है। कितना दिन चल पाएगा डिपेंड करेगा दूसरे मुल्कों पे, चीन पे नहीं,
रूस पे नहीं, ईरान पे नहीं, ये तो ऑलरेडी एनी भी नेशन करीब करीब घोषित कर दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा, वो तो डिपेंड करेगा यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, भारतवर्ष क्या करेगा, दूसरे मुल्क साउथ ईस्ट एशिया मुल्क क्या करेगा। तो दुनिया की दूसरे मुल्कों की क्या ये अहमियत इस वक्त है, इम्पोर्टेंस है, क्यों वो कहें कि नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा रहना चाहिए ट्रेड की और दूसरे डिस्प्यूट्स जो है उसको सेटल करने के लिए एक ऐसी ढांचा होनी चाहिए। ये जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, इस सब ढांचाओं को तोड़ रहा है, ये गलत है, पर उसके लिए ताकत चाहिए। ताकत किस चीज की? मिलिट्री ताकत नहीं, बट फाइनेंशियल ताकत चाहिए, क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया को रूल करता है इस वक्त। फाइनेंशियल ताकत अमेरिका के पास इसीलिए है कि डॉलर को वो कंट्रोल करता, अभी भी दुनिया की फाइनेंशियल ढांचा जो चलती है वो अमेरिकन बैंक्स और डॉलर के जरिए चलता है। जब तक वो हथियार उनके हाथ में है तब तक ये बनमर्जी वो कर पाएंगे। अगर ये हथियार अगर टूटने लगते हैं, दूसरे तरह से ट्रेड होता है, रूस चीन अब कहना शुरू कर दिया है हम अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, और हम ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म्स अलग बनाएंगे, यही रास्ता अगर यूरोपियन यूनियन या दूसरे देश अपनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की फिर एक जगह आने की संभावना बनती है। जब तक एक तरफा ताकत एक देश के पास है, सामरिक ताकत की बात मैं नहीं कह रहा, सामरिक ताकत कितना है वो देखनी पड़ेगी, अमेरिका मिलिट्रीली सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर जंग से जीतने का मकसद ये है, मकसद नहीं है, क्योंकि जंग अगर होता है तो दुनिया विध्वस्त हो जाएगा, सबको मार। तो इसीलिए फाइनेंशियल वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर के पीछे एक फाइनेंशियल वॉर है जिसको हमें नजर, जिस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही इस वक्त दुनिया का बागडोर अमेरिका के हाथ में पहुंचा दिया है, और उसको चैलेंज करने के लिए दूसरे मुल्क क्या करेंगे इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शुक्रिया प्रवीर आज हमसे इस विषय पर बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिप।